एपिसोड के स्टार्ट में चीटो से बोलती है कि नारिता डिवोर्स फेज एग्जिस्ट करता है जो कि हनीमून कपल्स के लिए डेंजरस होता है। अरोरा और शार्लेट बोलती है कि ए नारिता डिवोर्स फेज क्या है। इसके बाद चीटो से बोलती है कि जब न्यू कपल्स हनीमून के लिए जाते हैं तब वो अगर किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो लोग नारिता एयरपोर्ट में आकर डिवोर्स कर लेते हैं। छोटी से छोटी गलती भी रोमांस को खराब कर सकती है। अरोरा बोलती है तो तुम प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहते हो। चीटो से बोलती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी से होने लगी है। अब हम नासा को देख पाते हैं जो बोलता है कि अरे मेरा वॉलेट कहाँ है, शायद मैं उसको बस में ही भूल गया, और वहाँ से भाग जाता है उसको लेने के लिए। और ये सब छुप कर चीटो से देख रही होती है और वो बोलती है कि नासा कितना ज्यादा बेवकूफ है, अब सुकासा गुस्से में आ जाएगी। अब नासा वॉलेट लेकर आता है और तभी वहाँ पर सुकासा भी आ जाती है। नासा बोलता है कि तुम रेस्ट एरिया में मेरे लिए वेट कर सकती थी। सुकासा बोलती है लेकिन मैं उससे ज्यादा तुम्हारे पास वेट करना ज्यादा अच्छा समझूंगी। नासा बोलता है कि थैंक्स, चलो यहाँ से चलते हैं। और ये देखकर अरोरा और शार्लेट बोलते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कितना ज्यादा अच्छा है। मगर चीटो से बोलती है कि ये तो बस शुरुआत है लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली है। अब नासा और सुकासा फूड कोर्ट में होते हैं और सुकासा बोलती है अब तुम क्या लोगे नासा। नासा बोलता है मैं लूंगा वीप बोल। और ये सुनकर जो सुकासा है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम ऐसे रेस्टोरेंट में आकर ऐसी चीज लोगे, तुम तो ऐसी चीजें घर में जब चाहो तब खा सकते हो, तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते। नासा बोलता है तो तुम क्या ऑर्डर करने वाली हो। अब सुकासा नासा को बोलती है क्या तुमने उस बोर्ड को देखा एंट्रेंस में, और वहाँ पर लगी हुई जो डिश होती है वो सुकासा नासा को दिखाती है और बोलती है मैं खाऊंगी लाइम उडो। शार्लेट और अरोरा बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं और चीटो से जो है वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। अब सुकासा का ऑर्डर आ जाता है और नासा बोलता है जैसा पिक्चर में बना था ये तो वैसा नहीं दिख रहा है। सुकासा बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मुझे जरा इसको ट्राई करने दो। और फिर सुकासा उसको खाती है और नासा बोलता है कि कैसा है। सुकासा बोलती है कि डार्लिंग इसका जो स्वाद है ऐसा है जैसे कि किसी ने लाइम के स्लाइसेस उडोन के ऊपर रख दिया है, ये बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। नासा बोलता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये बढ़िया नहीं है। सुकासा बोलती है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए और फिर सुकासा नासा को खिलाने लगती है। नासा उसको खाकर बोलता है ऐसा कुछ खास भी नहीं है। सुकासा बोलती है लेकिन फिर भी ये उतना भी बुरा भी नहीं है। नासा बोलता है कि ये थोड़ा बढ़िया लगेगा अगर तुम इसके साथ लाइम भी खाओ। सुकासा बोलती है कि क्या तुम मुझे लाइम खाने को बोल रहे हो। इसके बाद सुकासा लाइम को खाने लगती है और तभी नासा सुकासा की पिक्चर क्लिक कर देता है और फिर सुकासा गुस्से में आ जाती है लेकिन नासा रुकता नहीं और फोटो क्लिक करता ही जाता है। ये सब देखकर शार्लेट और अरोरा बोलती है कि ये तो अभी भी बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। अब सुकासा जो है वो गुस्से में होती है और ये देखकर चीटो से बोलती है कि यस फाइनली प्रॉब्लम आ गई, अब उनका डिवोर्स हो जाएगा। तभी नासा सुकासा को मनाने के लिए बोलता है जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगा और तुमसे शेयर भी करूंगा। और फिर नासा सुकासा को एक मेलन ब्रेड दिलाता है जो कि सुकासा खाना चाहती थी और सुकासा फिर नासा को माफ कर देती है। नासा तभी बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। सुकासा बोलती है कि ठीक है मैं यहीं पर ही वेट करती हूँ। तभी जो चीटो से है वो सुकासा के सामने आ जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। सुकासा बोलती है मगर ये ब्रेड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चीटो से तभी बोलती है मैं तुम्हारी ब्रेड के बारे में बात नहीं कर रही, मैं इस जगह के बारे में बात कर रही हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सर्विस एरिया में मेलन ब्रेड खा रही हो और अपने हस्बैंड के साथ ऐसा एक्ट कर रही हो। सुकासा बोलती है कि जब से मैं तुमसे मिला तब से ही मैं ऐसी ही हूँ, एक 16 ईयर ओल्ड नॉर्मल गर्ल। चीटो से बोलती है कि नहीं ये सच नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि एवरीवन हेलो। चीटो से बोलती है कि अभी ये सब क्या है। सुकासा बोलती है कि ये एक मॉर्निंग शो है, हम इनके शो में आ जाएंगे। तभी वहाँ पर नासा जाता है और वो बोलता है कि सुकासा बस जाने वाली है तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन रुको जरा ये लड़की तो वही है ना। तभी जो सुकासा है वो नासा के हाथ को पकड़ कर वहाँ से भाग जाती है और वो बोलती है कि जल्दी से चलो नहीं तो हम इनके शो में आ जाएंगे। तभी अरोरा भी चीटोसे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि अगर हम शो में आ जाएंगे तो मिस्ट्रेस को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर है, फिर हम मुसीबत में आ जाएंगे। देन अगले सीन में नासा और सुकासा बस में होते हैं। नासा बोलता है कि सुकासा वो तुम्हारी फ्रेंड चीटोसे थी ना। सुकासा बोलती है कि हाँ और वो हमारे शादी के खिलाफ है, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, क्या होगा अगर वो खुश नहीं हुए तो, और वो भी इसके खिलाफ हो। नासा बोलता है कि इट्स ओके मैं उनको मना लूंगा। देन अगले सीन में हम चीटोसे को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है कि अरोरा और शार्लेट तुम इस सिचुएशन में खा कैसे सकती हो। अरोरा तभी बोलती है कि तुम टेंशन मत करो हमारे पास लग्जरियस कार है, मैं उनको आसानी से पकड़ लूंगी। तभी शार्लेट बोलती है कि अरे ये तो ताकि है ना। अरोरा बोलती है कि हाँ सेलिब्रिटी कितना ज्यादा क्यूट होते है। शार्लेट तभी बोलती है कि हे क्यों ना हम इससे पूछे। देन अगले सीन में नासा और सुकासा क्योटो पहुंच जाते हैं। नासा मन में बोलने लगता है अगर हम रात में मेरे पेरेंट्स के घर के लिए निकले तो हम आधा दिन इस क्योटो में बिता सकते हैं। और फिर बोलता है सुकासा से क्या तुम कहीं पर जाना चाहती हो। सुकासा
नासा बोलती है कि हाँ मैंने सुना था कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बेकरी है और एक कैफे भी। नासा बोलता है बेकरी और कैफे तो टोक्यो में भी है, कुछ ऐसा बोलो जो कि हम सिर्फ क्योटो में ही देख सकते है। सुकासा बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया, म्यूजियम ऑफ मांगा। नासा तभी रैप करके सुकासा को कुछ समझाने लगता है। सुकासा बोलती है कि तुम्हें रैप करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पुराने जगह के बारे में बोल रहे हो, है ना। नासा तभी बोलता है कि सुकासा क्या तुम्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सुकासा बोलती है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, जिसके वजह से नासा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि चलो तो चलते है। देन अगले सीन में हम देख पाते है कि सुकासा कपड़े चेंज कर लेती है और सुकासा को इस हालत में देख कर नासा बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो, और फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते है। तभी वह पर चीटो से आ जाती है और चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि सुकासा तुम नासा के पेरेंट से मिलने जा रही हो, है ना, और मैं तुम्हारे सबसे क्लोज रिलेटिव हूँ, जब तक मैं तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट ना कर लूँ तब तक पेपर वर्क का कोई मतलब नहीं। नासा तभी बोलता है क्यों ना हम दोनों मिलकर ये सब कुछ डिस्कस करें, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी से सब लोग खुश हो। अरोरा और शार्लेट तभी बोलती है कि तो तुम दोनों हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हमारे पास मांगा और म्यूजियम के टिकट्स भी है। फिर वो सभी मिलकर कार से वहाँ से जाने लगते है। फिर चीटो से नासा को बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करूंगी और तुम्हें जज करूंगी कि तुम मेरे सिस्टर के हस्बैंड बनने के लिए लायक हो या नहीं। नासा बोलता है अगर मैंने प्रूव कर लिया कि मैं सुकासा के हस्बैंड बनने का लायक हूँ तो तुम हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लोगी। चीटो से बोलती है कि हाँ। नासा तभी बोलता है कि ओ देखो रिक्शा, चलो चलते हैं। अब शार्लेट जो है वो सुकासा को बोलती है तुम्हें नासा के बारे में क्या पसंद है। सुकासा ये सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि एक्चुअली वो बहुत ज्यादा क्यूट है, उसने एक बार मुझे उसके फ्रेंड से भी मिलवाया था और उसने मुझे उसके साथ इंट्रोड्यूस करा उसकी तारीफ करके। किसी की पर्सनालिटी तुम उसके शब्दों से जज कर सकते हो, भले ही उसके आउटर लुक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और जब मैंने उसको ये चीजें बोलते हुए देखा तब मुझे पता चला कि ये एक अच्छा इंसान है। वही दूसरी तरफ नासा और चीटो से रिक्शा में होते हैं और नासा चीटो से को खाना भी खिलवाता है और खाना खाकर चीटो से बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नासा बोलता है मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ता, भले ही वो स्कूल का टेस्ट हो या डेट हो। चीटो से बोलती है मुझे नहीं लगता कि सिस्टर को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। नासा बोलता है हाँ वो तो सिर्फ इंटरेस्ट थी कैफे और बेकरी में जाने के लिए। चीटो से बोलती है मैं यही कहना चाहती हूँ अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं तो तुम उसको लव क्यों करते हो। नासा बोलता है लेकिन मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे कि वो बहुत ही अच्छी कुक है, उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा प्यारी है और उसके शरीर से बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है। चीटो से तभी बोलती है सुकासा हमेशा कूल रहती है और वो बहुत ही ज्यादा एथलेटिक भी है। नासा बोलता है क्या सुकासा एथलेटिक है। चीटो से बोलती है क्या ये बात तुम्हें नहीं पता थी, लेकिन मुझे पता थी, क्या तुम इसके लिए जेलस हो। नासा तभी बोलता है एक लड़की और कितना ज्यादा क्यूट हो सकती है। ये सुनकर चीटो से गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और फिर एक जगह जाकर रुकती है और बोलती है मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ तो उसने तुम्हारे जैसे बंदे को क्यों चूज करा। इसमें नासा बोलता है सुकासा ने मेरी 2 साल पहले जान बचाई थी और इसको मैं लकी फील नहीं करता, मैं उससे मिला मैं उस चीज के लिए लकी फील करता हूँ। यहाँ पर नासा अपना जीनियस दिमाग चलाता है और साइंटिफिक कुछ बातें करने लगता है और बोलता है जिस दिन मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी डेस्टिनी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लॉजिकल है या नहीं है, मुझे बस ऐसा लगा कि जो चीज मैं बचपन से ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। चीटो से तभी बोलती है फेट से किसे फर्क पड़ता है। नासा बोलता है मुझे पता है कि मैं उसको तुमसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करूंगा और मैं बताकर रहूंगा और प्रूव भी करूंगा कि हमारा जो लव है वो रियल है। देन अगले सीन में हम नासा और सुकासा को देख पाते है और सुकासा बोलती है कि नासा क्या तुमने चीटोसे को मना लिया। नासा बोलता है मैं तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए वो बोल रही थी कि मैं टोक्यो वापस चली जाऊंगी। सुकासा बोलती है कि ओ अच्छा, अब बस तुम्हारे पेरेंट से मिलना बाकी है। और फिर ये दोनों ट्रेन से नासा के पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।